मननात मनुष्य, ये हमारे वेद की परिभाषा आएगी, मननात मनुष्य, मन के द्वारा जो मनन करता है, चिंतन करता है, उसी का नाम हम देते हैं मनुष्य। मननात, मन के द्वारा विचार करने वाला जो है उसी को हम मनुष्य कहेंगे। अब एक बकरी है, उसके सामने घास लेके जाओ तो बकरी ये नहीं समझती कि ये घास दिखा के बाद में गले में रस्सी डालेगा हमको। वो घास देखेगी तो बकरी दौड़ पड़ती है और बाद में रस्सी हम डाल देते हैं। मछली के लिए चारा डाल दिया तो उसको चारा दिखाई पड़ता है, वो ये नहीं समझती कि इस चारे में कांटा भी लगा होगा। हम लोगों के भीतर एक ऐसी सामर्थ्य है, एक ऐसी शक्ति है जो उसके हेतु का, उसके कारण का हम विचार कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग मनुष्य कहलाए। जो कार्य को देख के कारण का अनुमान करता है, कार्य को देख के कारण का विचार करता है, हम उसी को कहते हैं यह है मनुष्य, मननात मनुष्य। अब मनन किससे करेगा तो हम मन से करते हैं, अपने मन से ही हम मनन करेंगे और किससे करेंगे। अब हम आते हैं, हमारे पास मन है, मन है, ठीक है, मनुष्य हैं जो अपने मन से विचार करे, मनन करे, हम उसी को मनुष्य कह सकते हैं। और जिसके भीतर विचार शक्ति ना हो उसको हम क्या मनुष्य कहेंगे। किससे विचार करोगे, अपने मन से। हमारे पास जो मन है, मन क्या चीज है, अरे आप लोगों की परिभाषा अलग होगी, आपका जो है आपका क्षेत्र। हमारे क्षेत्र में हम कहते हैं मन क्या है, तो अब इसको अपने अनुभव से जोड़ना, अपने अनुभव से। आप एक वृत्त खिंचाओ, हम लोगों के यहाँ गणित में होता था ना प्रकार बोलते थे, प्रकार से आपने एक वृत्त खिंचाया, उस वृत्त के चारों तरफ जो लकीर बनी उसको हम परिध बोलते हैं, और जहां पर रखा था उसको हम केंद्र कहते हैं, यही ना। तो परिधि पर आपका धन, आपके नाते रिश्तेदार, आपका सारा का सारा पद प्रतिष्ठा, सब कुछ आपकी परिधि पर है, केंद्र में आपका मन है, केंद्र में आपका मन है। आपका मन संतुष्ट तो आप संतुष्ट, आपका मन सुखी सब सुखी, बाकी धन पद प्रतिष्ठा सबका सब परिधि पर है। कई बार ऐसा पेपर में छपता है कि बड़े बड़े जो है बड़ी पोस्ट पर नौकरी करने वाले आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, धन का अंबार लगा है और सुसाइड कर लिए, क्यों कर लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में उनके गड़बड़ी, मन में गड़बड़ी है। अब हमारी जो मुख्य बात है, ये वृत्तियों का कैसे नियंत्रण करें, बहुत इस पर पूरा का पूरा दर्शन है, उसका नाम है योग दर्शन। योग दर्शन का मूल सूत्र है योगश चित्त वृत्ति निरोधा, जो अपनी चित्त वृत्ति का नियंत्रण कर ले वही साधक है, वो विशिष्ट हो जाएगा, हाँ वो विशिष्ट हो जाएगा, और यहां तक कि वो सारा का सारा नियंत्रण कर सकता है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोग जो भी इस क्लास में आए, सभी का स्वागत है, सबको आशीर्वाद है। हम सबको एक शब्द में अगर कहें तो मनुष्य कहा जाता है। कौन है मनुष्य, क्यों ऐसा कहा गया, इसका हेतु क्या है, तो इसके तीन अर्थ किए गए। जो सबसे पहला अर्थ किया गया
कि हम लोग मनु के वंशज हैं, इसलिए हमारा नाम हुआ मनुष्य। हमारे पूर्वज में, हमारा सनातन धर्म में सबसे पहले जो हुए उनको हम कहते थे स्वयंभू मनु। तो हम मनु के वंशज हैं, इसलिए हमको मनुष्य कहा गया। अब अगर थोड़ा विचार करके देखो तो दूसरे धर्म में उनके यहाँ पर ऐसा वर्णन आया कि इस दुनिया में सबसे पहले एडम हुए, आदम हुए। तो हम सब आदम के वंशज हैं, इसलिए हमको कह दिया गया आदमी। आदमी शब्द हमारे संस्कृत शब्द का अर्थ नहीं है, और सही शब्द तो ये हिंदी का भी नहीं है, ये दूसरी भाषा का शब्द है। आदम के वंशज हैं इसलिए आदमी, सीधा सा अर्थ है, एडम उनके वंशज हैं। अब विचार करके देखें तो उनका धर्म तो केवल 1400 साल या 2000 साल पुराना है। हाँ, जब कभी हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो क्या पढ़ोगे, बिफोर क्राइस्ट BC, जीसस क्राइस्ट के पहले, और या तो AD आफ्टर डेथ, उनके मरने के बाद। इतने तो यही तो पढ़ते हैं आप लोग। हमारा कितने पुराना धर्म है, जिसका कोई, हम लोग कहते हैं कोई 5000 साल कहेगा। सबसे ज़्यादा हमारे ऋग्वेद को विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है, ऋग्वेद को। और वो भी जो रिसर्च में डाला, वो ऋग्वेद की जो सबसे प्राचीन प्रति उपलब्ध थी ताड़पत्र पर, पहले ताड़पत्र पर लिखा जाता था, उस प्रति की आयु, वो ताड़पत्र की आयु 5000 साल पुरानी मानी। उसके पहले तो हमारे वेद वह लिपिबद्ध था ही नहीं, वो केवल गुरु जो सुनाते थे और से श्लोक सुन करके याद कर लेते थे। इसीलिए वेद का एक नाम है श्रुति, कभी कभी ऐसा भी शब्द सुनोगे, श्रुति वेद का एक नाम है। पहले तो केवल गुरु से परंपरा से होता था। तो हमारे धर्म में हमने कहा मनु सबसे पहले सृष्टि में उत्पन्न हुए, मनु के हम सब वंशज हैं, इसलिए हमारा नाम हुआ मनुष्य। अब इसी की नकल उन्होंने कर लिया, एडम के संतान हैं, आदम के संतान हैं, तो हम सब हो गए आदमी। वो तो इतना मेरा कहने, लेकिन मनुष्य का पहला अर्थ ये किया। दूसरा अर्थ मनुष्य का किया गया मनसा सीव्यति इति मनुष्य, थोड़ा संस्कृत भाषा में मनसा सीव्यति इति मनुष्य, मन के द्वारा, मन के द्वारा जो हमेशा किसी को सिलता है उसी का नाम है मनुष्य। जैसे अब दृष्टांत में समझें कि हमारे पास कोई एक वस्त्र है और उस वस्त्र को हम सर्दी में ओढ़ते हैं तो पांव खुल जाता है, ढक नहीं पाता पूरा शरीर, छोटा वस्त्र है। तो हमने दूसरा वस्त्र एक लिया और दोनों को सिल देते हैं। कैसे, एक सुई लिया, सुई में धागा डाला और धागा डाल करके दोनों को हमने सिल दिया और काम चलने लगता है। हाँ, अब चादर का काम कर दिया, वो असल में एक है नहीं, वो वस्त्र एक नहीं है, लेकिन फिर भी एक जैसा लगने लगता है क्योंकि हमने उसको सिल दिया है। ऐसे ये जो जीव है ये अकेले रहने में राजी नहीं होता। यह जीव मनुष्य मन रूपी सुई लेता है, मन की सुई, और उसमें डाला धागा मेरे का, मन की सुई में धागा मेरे का डाला और बचपन से सिलना शुरू कर देता है। ये मेरी कॉपी है, ये मेरी पेंसिल है, ये मेरी क्लास है, ये मेरा जूता है, ये मेरा घर है, आगे बढ़ा ये मेरा विद्यालय है, ये देखो मेरा लगता जा रहा है ना, ये मेरी बीवी है, पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी मौसी नानी है, ये मेरा पूरा का पूरा सिलता जाता है। असल में काम चल जाता है लेकिन उसका है तो नहीं। जब देखो तब घर है, वो घर गिर जाता है, वस्त्र है फट जाता है,
विद्यालय है वो हम छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं, जैसे उस धागा निकाल दो तो दोनों कपड़े बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। तो जो मन की सुई से निरंतर मेरा मेरा बना के संसार की चीजों को अपना जोड़ता रहता है उसी को हम कहते हैं मनुष्य। देखो ये मनुष्य शब्द की ऐसी परिभाषा, आप विचार करके देखो कौन ऐसा होगा जो ऐसा नहीं करता होगा, निरंतर करता रहता है। अब तीसरा जो अर्थ है मनुष्य, मनुष्य मननात मनुष्य, ये हमारे वेद की परिभाषा आएगी, मननात मनुष्य, मन के द्वारा जो मनन करता है चिंतन करता है उसी का नाम हम देते हैं मनुष्य। मननात मन के द्वारा विचार करने वाला जो है उसी को हम मनुष्य कहेंगे। अब एक बकरी है उसके सामने घास लेके जाओ तो बकरी ये नहीं समझती कि ये घास दिखा के बाद में गले में रस्सी डालेगा हमको, वो घास देखेगी तो बकरी दौड़ पड़ती है और बाद में रस्सी हम डाल देते हैं। मछली के लिए चारा डाल दिया तो उसको चारा दिखाई पड़ता है, वो ये नहीं समझती कि इस चारे में कांटा भी लगा होगा। हम लोगों के भीतर एक ऐसी सामर्थ्य है, एक ऐसी शक्ति है जो उसके हेतु का उसके कारण का हम विचार कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग मनुष्य कहलाए। जो कार्य को देख के कारण का अनुमान करता है, कार्य को देख के कारण का विचार करता है, हम उसी को कहते हैं यह है मनुष्य, मननात मनुष्य। अब मनन किससे करेगा तो मन से करते हैं, अपने मन से ही हम मनन करेंगे और किससे करेंगे। अब हम आते हैं, हमारे पास मन है, मन है, ठीक है, मनुष्य हैं जो अपने मन से विचार करे मनन करे, हम उसी को मनुष्य कह सकते हैं। और जिसके भीतर विचार शक्ति ना हो उसको हम क्या मनुष्य कहेंगे। किससे विचार करोगे, अपने मन से। हमारे पास जो मन है, मन क्या चीज है, अबे आप लोगों की परिभाषा अलग होगी, आपका जो है आपका क्षेत्र। हमारे क्षेत्र में हम कहते हैं मन क्या है, तो अब इसको अपने अनुभव से जोड़ना, अपने अनुभव से। जहां पर विचारों का एक अनवरत प्रवाह चलता रहता है, संकल्प विकल्पात्मक मन या वृत्त्यात्मक मन, ये हमारी परिभाषाएं हैं। वृत्तियों का, चित्त वृत्तियों का, एक वृत्ति आई वो चली गई, दूसरी वृत्ति आई वो चली गई, तीसरी वृत्ति आई वो चली गई। जहां संकल्प विकल्प का निरंतर प्रवाह चलता रहता है उसी का नाम है मन। जैसे नदी, नदी किसको कहेंगे, जहां पर जल का निरंतर प्रवाह हो रहा हो। अगर जल का प्रवाह नहीं हो रहा है तो झील है, फिर सरोवर कहोगे, नदी नहीं कह सकते हैं। नदी कब है, जहां जल का निरंतर प्रवाह। हम लोग कहते हैं एक नदी में आप दोबारा स्नान नहीं कर सकते कभी, एक नदी में दोबारा स्नान कभी नहीं कर सकते। पूछा क्यों, गंगा जी में तो हम स्नान करते हैं सालों साल। मैंने कहा जिस समय आप गंगा जी में गए डुबकी लगाई, तो जिस पानी में डुबकी लगाया और सिर निकाला तब तक वो पानी आगे चला गया। अब उसी पानी में डुबकी लगा के दिखाओ, दूसरी डुबकी जब लगाए तो दूसरे पानी आ गया था ना, क्योंकि वहां जल का एक निरंतर प्रवाह चल रहा है। ऐसे जिसके भीतर जहां पर ये विचारों का सतत प्रवाह चल रहा है उसी का नाम है मन, ठीक है। अब अपने अनुभव से देखना, सबका सबके भीतर विचार चलते रहते हैं, ये वृत्तियों का प्रवाह सबके भीतर चलता है, जब से हम जगते हैं जब तक सो नहीं जाते तब तक। एक बात और सरल भाषा में कहूं, इस विषय पर हम आते हैं, लेकिन एक बात कह करके, हम लोगों के यहां जो घर में टोंटी लगी होती है या कोई पानी का सप्लाई होता है उसमें एक गेट वाल लगा होता है, टोंटी लगी होती है, सेंसर है लगा होता है, वो उस पानी में को रोकता है। सारा पानी बाहर आ जावे ऐसा नहीं होना चाहिए ना,
तो उसको रोकने के लिए आप कुछ करते हो। तो हमारे भीतर एक सेंसर लगा हुआ है, हमारे भीतर एक ऐसी सामर्थ्य है जो सामर्थ्य हमारे अपने विचारों को फिल्टर करता है, कौन से विचार को हम बोलें, कौन सी विचार का हम व्यक्त करें, किसको ना व्यक्त करें। अब आप लोग कैसे पढ़ाते हो इसको आप लोग समझो। लेकिन आपके भीतर सवेरे से विचार चल रहा है, लेकिन आपके भीतर एक शक्ति है जो उसको फिल्टर करती रहती है, इस बात को नहीं बोलना है, इस बात को ऐसा व्यवहार नहीं करना है। एक वो गेट वाल लगा है, कई बार घर में वो टोटी थोड़ा ढीली हो जावे तो उससे एक एक बूंद पानी रिसता रहता है, कभी कभी धार ही तेजी से गिरने लगता है। ऐसे हमारे भीतर का वो जो एक कंट्रोलिंग पावर है, एक रोकने की सामर्थ्य है, किसी का ढीला हो जाता है तो देखो सड़क पर चलते हुए भी कुछ ना कुछ बोलता रहता है, और कुछ नहीं है, विचारों का प्रवाह आपके भीतर भी चल रहा है, दूसरे के भीतर भी चल रहा है, लेकिन हमारे भीतर एक शक्ति है जो उसको हम कंट्रोल करते हैं। वो जैसे जिसका जितना कम होता जाएगा, अब इसको हम कह ले अगर 50% ढीला हो गया तो वो थोड़ा थोड़ा जो मन में आएगा बोलना शुरू कर देगा, हम कहेंगे कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ इसको दिखाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो डॉक्टर कुछ दवाई दे देंगे, ठीक है कोई बात नहीं शांति। थोड़ा और ढीला हो जावे, हम भीतर भीतर आया पत्थर मारूं, उठा के पत्थर मार देवेगा, रोक नहीं पाया ना, अब वो नहीं पहचान रहा कि माँ है कि पिता है, पत्थर उठाया मार दिया, जो मन में आया सो करने लगा, आप कहोगे पागल हो गया। और मेरे ख्याल में आप लोगों के पास में एक दवाई है, वो बहुत इसको फायदा करती है, हमने बहुत पहले पढ़ा था, कोई एक बीएस दरबारी, कोई एक प्रयागराज के थे, तो उनकी लिखी पुस्तक कभी देखी थी, तो उन्होंने कहा था ये दवाई बिल्कुल सटीक है, हमको अच्छी लगी थी। तो अब है अरिच्छा, हमारे मन के भीतर जो विचारों का प्रवाह चल रहा है उसको रोकने की एक शक्ति है, वह शक्ति जिसकी कम हो जाती है हम धीरे धीरे कहने लगते हैं ये पागलपन की तरफ हो जा, पागल और कुछ नहीं है, पागल और कुछ नहीं है, पागल केवल इतना है जो उसके मन में विचार आ रहा है वैसा वो व्यवहार कर ले, जो मन में आया वैसे बोल दिया, जो मन में आया वैसे कर लिया, यही तो है और क्या है। आपके भीतर वो जो विचारों का प्रवाह चलता रहता है वो क्या है, इसको देखो मन की परिभाषा हमने किया, संकल्प विकल्पात्मक मनः, जहां विचारों का निरंतर प्रवाह चलता रहता है उसी का नाम है मन। ठीक है, मन की परिभाषा हमारी परिभाषा समझने, विचारों के निरंतर प्रवाह के चलने का नाम ही है हमारा मन, इसी को आप कहते हो चेतन मन। हाँ, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड चेतन मन है। अब ये विचार कैसे चलते हैं, इसके चार स्वरूप हैं, जो वृत्ति चलती है वृत्ति का प्रवाह, इसके चार स्वरूप हैं। पहला स्वरूप है अवस्था के अनुसार विचार प्रवाहित होता है, अवस्था के अनुसार, जैसे छोटे बच्चे हैं उनका विचार की धारा देखो, छोटा छोटा गुड्डा गुड़िया लेकर के टेडी बियर लेके खेलेंगे, क्यों, क्योंकि उनकी अवस्था है। आप इतने बड़े हो, आप कभी लोगे टेडी बियर, आपको दे दिया जाए खिलौना झुनझुना बजाओ कैसा लगेगा। तो वो बच्चे के लिए, तो बच्चे के लिए उसी प्रकार का खिलौना होगा, उसी प्रकार से उसका खेल होगा, उसी प्रकार से उसका सारा व्यवहार होगा, एक अवस्था के अनुसार वृत्ति चलती है। थोड़ा जवान हो गया, जुआ हो गया, उसका विचार अलग चलेगा, हमको ऐसा भोजन चाहिए, ऐसा रहने के लिए वस्त्र घर चाहिए, ऐसा वस्त्र चाहिए, अवस्था के अनुसार। वृद्ध हो जाएगा, उसके विचार की प्रक्रिया थोड़ी ही अलग हो जाएगी। एक महात्मा ने बड़ी बढ़िया बात कही, आप विचारों को समझना, केवल शरीर की बीमारी से काम ठीक करने से काम नहीं चलता। हम लोग कहते हैं, देखो हमारे हमारी भाषा में समझना, आप एक वृत्त खिंचाओ, हम लोगों के यहाँ गणित में होता था ना प्रकार बोलते थे, प्रकार से आपने एक वृत्त खिंचाया, उस वृत्त के चारों तरफ जो लकीर बनी उसको हम परिध बोलते हैं, और जहां पर रखा था उसको हम केंद्र कहते हैं।
यही ना। तो परिधि पर आपका धन, आपके नाते रिश्तेदार, आपका सारा का सारा पद प्रतिष्ठा, सब कुछ आपकी परिधि पर है। केंद्र में आपका मन है, केंद्र में आपका मन है। आपका मन संतुष्ट तो आप संतुष्ट, आपका मन सुखी सब सुखी, बाकी धन पद प्रतिष्ठा सबका सब परिधि पर है। कई बार ऐसा पेपर में छपता है कि बड़े बड़े जो है बड़ी पोस्ट पर नौकरी करने वाले आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? धन का अंबार लगा है और सुसाइड कर लिए। क्यों कर लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं मन में उनके गड़बड़ी, मन में गड़बड़ी है। अभी एक दिन हमको अखबार पढ़ रहे थे, उसमें अखबार में निकला था कि अमिताभ बच्चन का परिवार का ही एक भाई बहुत दरिद्र अवस्था में जी रहा है। ऐसा ऐसा शायद सुना होगा, है ना? अब जो कुछ लोग प्रयाग के भी हैं, यहाँ पे प्रयागराज से भी हैं, क्योंकि हम भी प्रयागराज के हैं इसलिए हमको पता है। तो अब वो अगर अपने धन संपत्ति का एक जरा सा टुकड़ा 2% अगर उसको दे दे में तो शायद उसका जीवन अच्छा गुजर जावे, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं? समस्या कहां पर है? मन के भीतर है, मन के भीतर है। तो हमारा पूरा का पूरा सब कुछ परिधि पर है, केंद्र में मन है। इसीलिए हम लोग कहते हैं मन ठीक तो सब ठीक, मन खराब तो सब खराब। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ए मन, मन का स्वरूप हमने कहा, मन का स्वरूप है विचारों के अनवरत प्रवाह का नाम ही मन, ठीक है? हाँ, इसके भेद अलग होंगे। तो 4 प्रकार के विचार चलते हैं एक अवस्था के अनुसार, ये आप समझ लीजिए अवस्था के अनुसार। दूसरा होता है परिस्थिति के अनुसार, कभी कभी परिस्थिति बदल जाती है, आपका 10 दिन का सोचा समझा किनारे हो जाता है। एक ऐसी परिस्थिति आई आपके विचारों का प्रभाव, अरे ऐसी परिस्थिति समझ लो कि आप सब ठीक ठाक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, खूब पढ़ रहे हो, किसी दिन किसी से जरा से लड़ाई हो गई। अब आप लाख किताब खोल करके देखो, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। एक परिस्थिति बदली, आपका विचार की धारा बदल जाएगी। अरे रात को नींद नहीं आती, जरा सी दुश्मनी हो जाए आदमी रात रात भर जगता है। क्यों? परिस्थिति उसकी थोड़ी सी बदल गई। एक परिस्थिति तो है बदली, कोरोना वायरस। पूरा 2 साल 1.5 साल 2 साल तक आदमी घरों में कैद जैसा हो गया ना, एक जगह का नहीं पूरे विश्व का, पूरे विश्व में क्या हो गया? जहां पर 4 लोग मिलते हैं काय की चर्चा हो रही, विचार का धारा क्या हो गई? जहां 4 लोग मिले, अरे बहुत मर रहे हैं। वहां पर इतनी कठिन चेकिंग हो रही, हम लोग उत्तराखंड में लगातार आते जाते रहे, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड लगातार हमारा आना जाना रहा। तो जहां 4 लोग मिल जाओ, चेकिंग हो रही कि नहीं, निकल जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो देखो विचारों का कैसा चलने लगा, परिस्थिति के अनुसार। तो अवस्था के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, और कभी कभी संघ के अनुसार। जैसा संघ होता है वैसे जिन लोगों के साथ बैठोगे वैसे विचार करने लगोगे। एक बार हम किसी नेताजी की गाड़ी में बैठे और हमको कहीं जाना था। अब बड़े नेताजी थे, पीछे में 4-6 लोग बैठ गए, हम आगे बैठे थे, वो खुद चला रहे थे। तो जैसे वो रास्ते में गुजरे तो हमने, अब देखो हमने उनसे पूछ लिया, यहाँ पर ठाकुरों का वोट कितना है, ब्राह्मणों का वोट कितना है, और वो महाराज पूरा बताना शुरू कर दिए उस क्षेत्र में, यहाँ ऐसा है ऐसा ऐसा है। बाद में जब हम कमरे में अपने आश्रम लौट के आए तो हमने सोचा हमको क्या लेना देना, हमने क्यों पूछा, हमको तो कोई लेना देना नहीं चुनाव से। तो क्या? क्योंकि नेता के साथ बैठे तो विचार नेता वाला हो गया। अब ताश खेलने वाले के साथ बैठ जाओ, देखो ताश खेलने वाले के बगल बैठ जाओ, आप तुरंत मन में सोचोगे बेगम क्यों नहीं चल रहा है, है ना? क्या हो गया, आपकी विचार की धारा कैसे चल गई? जैसा संग होगा वैसे ही आपका विचार चलने लगेगा। आप विचार करके देखना, आपके जीवन में सारी घटनाएं होती है। तो अवस्था के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, और जैसा संग होगा।
अब यहाँ आश्रम में बैठ रहे हो तो शायद मेरे ख्याल में आश्रम में कुछ तो थोड़ा सा कोई परेशानी है किसी को आश्रम में, हाँ दिन भर रहने वाले जो लोग हैं, बच्चे लोग, डॉक्टर लोग, सब लोग, हाँ किसी को कोई तकलीफ हो, हाँ तब भी तो आप चाहो न चाहो कभी न कभी तो कान में वेद का मंत्र तो सुनाई पड़ी जाएगा ना यहाँ पे, हाँ और देखो चाहो न चाहो क्योंकि माइक पर बज रहा है, आपके यहाँ पर पाठ कर रहे हैं वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का, तो जाने अनजाने कान में तो हो। और ऐसा नहीं कि आपको नहीं, जाने अनजाने आपके मुख से गायत्री मंत्र निकल जाएगा, महामृत्युंजय मंत्र आगे कैसे हो गया, ए संघ के अनुसार। इसीलिए कहा गया कि श्रेष्ठ जनों के संघ में रहना चाहिए। अब हमारी जो मुख्य बात है, ये वृत्तियों का कैसे नियंत्रण करें, बहुत इस पर पूरा का पूरा दर्शन है, उसका नाम है योग दर्शन। योग दर्शन का मूल सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। जो अपनी चित्त वृत्ति का नियंत्रण कर ले वही साधक है, वो विशिष्ट हो जाएगा, हाँ वो विशिष्ट हो जाएगा, और यहां तक कि वो सारा का सारा नियंत्रण कर सकता है। हमारे चित्त के भीतर एक एक करके वृत्ति आ रही जा रही, आ रही जा रही। इसमें हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे, इसमें तीन बातों को समझना जो वृत्तियां चल रही हैं। पहली बात है ये वृत्तियों का जो गुण है, इसका जो प्रॉपर्टी है, जो क्वालिटी है, उसको सुधारा जा सकता है। जैसे कोई नदी है, नदी में जल का प्रवाह चला आ रहा है, आप सीधे बांध नहीं बना सकते हो, सीधे आप पानी रोक दो तो पानी का वेग इतना है कि आपके बांध को तोड़ देगा। इसलिए डैम बनाने वाले हमेशा पानी की एक धारा को अलग से करते हैं, तब डैम बनता है, सीधे आप उसको रोक नहीं सकते हो। ऐसे मन में जो विचारों का प्रवाह चल रहा है, सीधे आप रोकना चाहो तो रोक नहीं पाओगे। तो ये जो विचारों की एक गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता को सुधार सकते हो। गुणवत्ता माने जैसे आज हमारा विचार चल रहा है कि चलो चल करके हम अमुक चीज खाएं, अमुक चीज पिए, चलो अमुक संसार का जो है सिनेमा देख के आए, आप इसका गुण बदल दिए, चलो आज मंदिर हो के आए। हमारी हमारी दृष्टि समझना, आप अध्यात्म में हो, थोड़ा बहुत आश्रम में आए हो, आज जन्मदिन है तो आप जन्मदिन के दिन आप चलो आज हनुमान सेतु मंदिर हो के आए। विचार है, विचार चल रहा है, लेकिन उस विचार में आपने सुधारा किसको, उसकी क्वालिटी को चेंज कर दिया। चलो आज कुछ नहीं तो जो अपने नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, उनका आशीर्वाद लेके आए, आपने उसके गुण को बदल दिया। तो विचारों की एक गुणवत्ता को बदला जा सकता है, उसकी क्वालिटी को चेंज किया जा सकता है। उसके लिए तरीका है सेवा का, सेवा, चाहे उसको कर्म योग कहो, चाहे सेवा कहो, निष्काम कर्म योग कहो, जितना सेवा करोगे आपके विचार की वो गुणवत्ता बदल जाएगी। दूसरी चीज है वो जो विचारों का प्रवाह चल रहा है, धीरे धीरे चाहो तो उसकी धारा को बदलते बदलते उसकी मात्रा को कम कर सकते हो, उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हो। हमारे भीतर 1000 विचार चल रहे हैं, आप चाहो तो इसको 1000 से 900 पर ला सकते हो, 700 पर ला सकते हो, अचानक रोक नहीं सकते हो, अचानक रोक। कई बार पहली बार लोग आते हैं हम लोगों के पास, पहले दिन आए, महाराज हम ध्यान लगाना चाहते हैं, ध्यान नहीं लगता। हम कहेंगे बताओ, हम 10 साल से ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अब आज आया, आज कह रहा है ध्यान लग जावे, ध्यान माने मन शांत हो जावे, यही ना, ध्यान माने मन शांत हो जावे, ऐसे कैसे मन शांत हो जाएगा। तो आपके भीतर एक ऐसा तरीका है कि मन में जो विचारों का प्रवाह चल रहा है उसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हो, क्वालिटी क्वांटिटी। उपाय क्या है, इसको हम लोग कहते हैं उपासना, उपासना से, इसी का नाम भक्ति उपासना। जैसे एक एक बात निर्विवाद रूप से आप लोग सभी लोग समझदार हो, समझना, सभी उपासनाओं में मतभेद है, लेकिन एक बात को सभी धर्मों ने स्वीकार किया, मंत्र के जाप को, मंत्र जाप को सभी धर्मों ने स्वीकार किया। हम लोग भी कहते हैं मंत्र का जाप करें, आपके परिवार के लोग करते होंगे, मुसलमान भी मंत्र का जाप करेगा, बस थोड़ा तरीका बदल गया, उल्टा करेगा,
हम लोग माला बाहर से अंदर लाएंगे, वो अंदर से माला को बस इतने फर्क है। हाँ, तस्बीम फिर वो भी मंत्र जाप करेगा, बौद्ध है वो भी मंत्र जाप करेगा, प्रार्थना चक्र घुमाएगा, जैन है वो भी मंत्र जाप करेगा। मंत्र जाप एक ऐसी चीज है जिसको सभी ऋषियों ने स्वीकार किया। ये आपके मन के भीतर जो विचारों का प्रवाह चलता है उसको नियंत्रित कर देता है। हाँ, कभी कभी आप लोग अपने मरीज को बता सकते हो। हाँ, इसमें कोई दोष नहीं है, अच्छे अच्छे डॉक्टर बताते हैं। एक बार मैं पीजीआई गया, अभी अभी करीब 3-4 महीना हुआ होगा, और पीजीआई के एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो उनके साथ हमारा अपॉइंटमेंट था। तो करीब 40 मिनट तो हम वो हमारे साथ बैठ करके बातें करते रहे। जो हमको दिखाना था वो फाइल उनके सामने रखी, फाइल सामने रखी पूरा का पूरा, लेकिन और फिर वो गीता जी में क्या है, अमुक क्या है, इसकी चर्चा फिर वो अपनी बताने लगे, हम भी अपने जो है कुछ न कुछ, करीब 40 मिनट उसके बाद हमको स्वयं कहना पड़ा कि थोड़ा सा जो है हमारा ये दर्द होता है इसको देखो, तब वो अपने विषय इस विषय पर आए। अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग भी इस बात पर बहुत चिंतन करते हैं, एक नहीं कईयों का हमारा जो है अनुभव है। इसलिए मंत्र जाप में बहुत सामर्थ्य है। उपासना, जैसे एक शब्द मैं बोलूं, आप अनुभव करके देखो, एक छोटा दुबला पतला लड़का हो, दुबला पतला लड़का, शरीर में ताकत ना हो, मैं कह रहा हूं शरीर में ताकत नहीं, लेकिन उसको पता है कि मेरे पिताजी आईपीएस अफसर हैं और यही इसी जिले के वो एसपी हैं। आप सड़क पर उसकी चाल देख लो। हाँ, अच्छे अच्छे पहलवान को थप्पड़ मार देगा कि नहीं मारेगा? हाँ, कहां से बल आया उसके भीतर? हाँ, मैं कह रहा हूं शरीर में बल नहीं है, उसके शरीर में बल नहीं है, एक थप्पड़ मारू 4 बार घूमेगा, लेकिन मेरे पिताजी यहां के एसपी हैं, फिर उसकी चाल उसका स्वभाव अच्छे अच्छे को मार सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी हैं। अगर आप भगवान पर भरोसा कर लो, एक इस सृष्टि के नियंता हैं, आपके भीतर असीम बल आ सकता है। हाँ, ये आप अपने मरीजों को भी समझा सकते हो, आपके लिए भी उपयोगी है। हाँ, सबसे ज्यादा कमजोर वो है जिसका सब पर से भरोसा टूट जाए। हाँ, आपको अपनी पत्नी पर भरोसा करना पड़ेगा, पति पर भरोसा करना पड़ेगा, भाई पर भरोसा करना पड़ता है, अपने अकाउंटेंट पर भरोसा करना पड़ता है, सीए पर भरोसा करना पड़ता है, नाई पर भरोसा करते हो कि नहीं? आपके सामने बैठ करके बाकायदा वो लेकर के और पैना करता है। हाँ, और आपका जो है गला भी ऐसे करता है, ऐसे करो। हाँ, क्या करोगे? भरोसा है कि नहीं उस पर? हाँ, रसोइये पर भरोसा है। सबसे ज्यादा कमजोर व्यक्ति वो है जिसका किसी पर विश्वास ना हो। हाँ, थोड़ा भगवान पर भरोसा करके देखो। हाँ, आपका आपके मन की उथल पुथल अपने आप शांत हो जाएगी, विचारों में जो अनियंत्रिता है वो शांत हो जाएगी। तो जो विचारों में क्वालिटी को चेंज किया जाता है, उसके गुणों का सुधार होता है सेवा से, और उसकी मात्रता को उसकी जो बहुत ज्यादा चलता है, जितनी उपासना करते जाओगे, भगवान पर भरोसा करते जाओगे, उतना वो कम हो जाता है। और कभी सत्संग में जा करके संतों के पास, या कभी अपने आप ही गीता उपनिषद आदि पढ़ करके इसके डायरेक्शन को चेंज कर लो, विचारों की दिशा को बदल दो। आज विचार आपके जो है निषेधात्मक चल रहे हैं, इसको विधेयात्मक विचार कर सकते हो, सही तरीके से विचार कर सकते हो। हाँ, अब आप लोग कोई मरीजी है तो आप लोग यही कहोगे ना, अरे विश्वास रखो ठीक हो जाओगे, भरोसा ठीक हो जाएगा। हाँ, ये दवा 50 को ठीक कर चुकी है, यही तो कहोगे ना। हाँ, मरता होवे आदमी, मरता होवे तो भी आदमी, डॉक्टर कभी नहीं कहेगा तू रात में मर जाओगे। हाँ, अरे घबरा मत। हाँ, क्यों? क्योंकि वही मन के हारे हार है, मन के जीते। हाँ, तो अपने विचार की दिशा को आप बदल सकते हो। ये 3 ही उपाय हैं आपके अपने मन को ठीक करने के लिए। अब अंतिम बात मैं एक कह देता हूं और इसके बाद मैं समाप्त करता हूं। जैसे आप कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर काम करते हो,
आप कंप्यूटर पर काम करते हो, सब लोग मोबाइल पर, तो आपके स्क्रीन पर जो लिखा आया एक स्थिति वो है स्क्रीन पर, दूसरी चीज है उसके भीतर एक प्रोसेसर भी होता है ना, यही तो बोलते हैं आपके मोबाइल का काम करने वाला मशीन एक प्रोसेसर है, और तीसरी चीज है आपने स्क्रीन पर जो भी काम किया उसको उसकी मेमोरी में हार्ड डिस्क में सेव भी करना है, ये तीन चीज है। हाँ, आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है और उसके भीतर काम करने वाला एक मशीन है और उसको आपने एक जगह पर सुरक्षित रख लिया, जब जब कभी मौका मिला वहां से निकाल लिया, उस फाइल को निकाल करके खोल के देखा, बिल्कुल उसी प्रकार से आपके यहां पर भी है। आप जिस मन से विचार कर रहे हो अभी, इसको हम कह रहे हैं कि केवल कंप्यूटर का स्क्रीन है, इसी को हम कहते हैं चेतन मन। चेतन मन, आप बोल रहे हो, आप चल रहे हो, मुझको ये पसंद है, मुझको ये पसंद है, नहीं, ये सब आपका चेतन मन है, केवल स्क्रीन पर है, केवल स्क्रीन पर है। इसके भीतर जो आपके भीतर बुद्धि है उसी का नाम है प्रोसेसर, वो काम कर रहा है। हाँ, जैसे हम लोग हिंदी में जब कभी टाइप करते हैं कंप्यूटर पे, तो उसमें फॉन्ट भी तो मांगेंगे ना, कौन सा फॉन्ट पे टाइप करना है। और हम लोगों का फॉन्ट जो है हिंदी में देवनागरी का, थोड़ा संस्कृत भाषा आएगी तो उसका अलग हो जाता है, आप लोगों का अलग अलग होगा सबका, आपकी बुद्धि निर्णय करती है, बुद्धि इसकी मशीन है। तो मन, इसका चेतन मन एक स्क्रीन है, बुद्धि उसका प्रोसेसर है, और जब आपने काम कर लिया इस मन पर, इस बुद्धि से विचार करके काम कर लिया, तो उसको ले जा करके एक जगह सुरक्षित करो, कहाँ पर, उसका नाम है चित्त। चित्त जिसको आप मेमोरी कह दो, हार्ड डिस्क, वहां ले जाके सुरक्षित करो। कई बार देखो आप अनुभव करो ना, आप बैठे हो कोई भी काम करते रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आपके चित्त में कोई 4 साल पुरानी बात बैठी थी, वो अचानक उभर के आ गई, अचानक उभर के आ गई, याद आ गया किसी की, अब आप किताब खोले बैठे रहो कुछ नहीं, क्योंकि कहीं पर और कोई फाइल भीतर की ही खुल गई। वो चित्त जो है उसको हम कहते हैं अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। वो जो चित्त है जहां पर आपकी बचपन से लेके आज तक की मेमोरी सुरक्षित है, आप उसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हो, हम उसको कहते हैं अर्ध चेतन मन, अवचेतन मन या चित्त। वहां पर जो चीजें रखी हैं कभी उसको भी साफ करने का तरीका होना चाहिए। आप स्टोर रूम को साफ करते हो। हाँ, महात्मा लोगों का काम क्या है, सही कहूं तो महात्मा लोग ये करते हैं, जैसे आप हार्ड डिस्क को कभी फॉर्मेट कर दिए पूरा, किए हो कि नहीं, ये भाषा समझ में तो सबको आ रही है, फॉर्मेट कर दिया माने ज्यो कहते हो। हाँ, आपने अपने मोबाइल को एक बार रिसेट कर दो, देखो मजा आ जाओगे फिर। हाँ, सारी फाइल गायब और जो बिल्कुल नया का, वैसे ही महात्मा लोगों का काम है, वो उसको फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं, वही उनकी साधना है। आपके चित्त में जितना बचपन से लेके बैठा हुआ है वो आपको बार बार वृत्ति बन के, एक विचार बन के लाएगा और आपको परेशान करता रहेगा। वो जो चित्त में बैठा है उसको कैसे ठीक करें, इसी के लिए हम लोग सत्संग में आते हैं, गीता उपनिषद, वो आप वो चेतन मन को, अब महात्मा भी भोजन करेगा उसमें कौन सा है, तमिलनाडु वाला महात्मा होगा तो तमिलियन बोलेगा, हाँ, पंजाब का महात्मा होगा तो पंजाबी बोलेगा, वो तो चेतन मन है। हाँ, वो कहेगा नहीं नहीं आज हमको सर्दी लग रही, ऐसा वस्त्र पहनना है, दक्षिण भारत चले जाएंगे तो कुर्ता नहीं पहनेंगे, ये तो चेतन मन है। लेकिन जो वहां चित्त में बैठा है, चित्त में, सबकॉन्शियस माइंड में, उसको ठीक करने के लिए गीता है, उपनिषद है, सत्संग है, उसको साफ सुथरा कर देता है बिल्कुल। जब वो ठीक हो जाता है पूरा जीवन अच्छा हो जाता है। इसलिए आप लोग कई बार कहोगे अरे घबराओ मत, किसी से दुश्मनी थी भूल जा भूल जा, ये संसार ऐसे चलता है। हाँ, अब उसी का तरीका है, जब उसको ठीक कर लें जीवन बहुत बढ़िया हो जावे। तो हमारा मूल चीज है कि हम सब मनुष्य हैं, मनुष्य मन के द्वारा मनन करने के कारण हमको मनुष्य कहा गया,
जो मनन करे, विचार करे, कार्य को देख के कारण का विचार करता है उसी का नाम है मनुष्य। कार्य को देख के कारण का विचार, ये आप लोग भी करते हो, सब लोग करते हो। हाँ, ऐसे ऐसे लक्षण है तो इसका एक कारण होगा, ऐसे ऐसे लक्षण है तो इसका एक कारण होगा। कार्य को देख के कारण का विचार करे वही मनुष्य है। मन का स्वरूप है जिसमें विचारों का निरंतर प्रवाह चलता है, उसी को हम कहते हैं मन। और ये विचारों के अलग अलग रूप हैं, अवस्था के अनुरूप होता है, जैसे संग होगा वैसे होगा। विचार अलग अलग हैं, इनको नियंत्रित करने का तीन स्वरूप है, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड डायरेक्शन। इसके गुणों का सुधार कर सकते हो सेवा से, इसमें आप मात्रा का नियंत्रण कर सकते हो थोड़ा विश्वास से, और इसकी दिशा को बदल सकते हो, उसी को हम कहते हैं ज्ञान योग। ज्ञान योग उसी का नाम है। जब आप ऐसी साधना करते हैं, थोड़ा प्रयास करते हैं, बहुत बढ़िया। और आप ऐसा करें थोड़ा बहुत, इससे लोगों को जोड़ के रखो। मैं एक बात साहब, एक पूरे विश्व में अगर बाइबल के बाद में कोई सबसे ज्यादा पब्लिकेशंस हुआ तो श्रीमद् भगवद गीता का सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद श्रीमद् भगवद गीता का किया गया, बाइबल के बाद दूसरे नंबर पर है। और गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कोई कहानी नहीं, कोई स्टोरी नहीं है। हाँ, और फिर भी गीता सर्वव्यापक है, सर्वमान्य है। हाँ, कभी कभी गीता जी का थोड़ा बहुत स्वाध्याय करते रहना चाहिए, घर पे रखो अच्छा रहेगा, गीता पढ़ो अच्छा रहेगा, और कोशिश करो घर में बच्चे हैं किसी और भी है उनको भी पढ़ा सकते हो, और भी सबको दे सकते हो। आप लोगों के ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं, एक अकेले नहीं, आपको अपना भी जीवन ठीक करना है, अपने मन को भी ठीक करना है, मरीज को भी ठीक करना है, और घर को भी ही समझ। घर में 10 लोग हैं, 10ों का मन अलग अलग होगा, 10ों का मन, एक बच्चा है, माँ है, दादी है। हाँ, जैसे अब देखो, एक आपको बहुत सरल भाषा में बोलूं, हमारे पास एक लड़का आया और साथ में पूरा परिवार था, तो उस लड़के ने कहा स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए, हमारा विवाह निश्चित हो गया है, शादी तय हो गई है। हमने कहा ठीक है, आशीर्वाद है, बस एक मेरे भीतर जिज्ञासा है, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, बताएगा? उसने कहा हाँ। हमने कहा भगवान ना करे, प्रभु की कृपा हो, सब ठीक ठाक होवे तुम्हारे घर में, सब अच्छे रहो, सुखी रहो, लेकिन कल तुम्हारी शादी हो जाए, पत्नी घर में आ जावे, और हो जाता है कल कुछ समय के बाद तुम्हारी पत्नी का तुम्हारी माँ से लड़ाई हो जावे। तुम गए थे ऑफिस में नौकरी करते, माँ और सास बहू की लड़ाई हो गई, घर लौट के आए तो आप किसका पक्ष लोगे? किस पक्ष में होंगे, किसका पक्ष लेना चाहिए उस लड़के को? जो सही हो। हाँ, बस यहीं पर चूक जाएगा। देखो अब आपको सबके मन को समझना पड़ेगा। अब अगर वो बच्चा घर लौट के आया और उस समय पत्नी ने शिकायत किया, उस बच्चे को लगा कि माँ ने गलती किया, बच्चे को लगा कि माँ ने गलती किया, तो पत्नी का पक्ष ले लिया, पत्नी का पक्ष लिया और माँ के खिलाफ बोला, तो माँ क्या कहेगी? बताओ अभी अभी जो है इतने साल पाला पोसा, घर आते ही न जाने कौन सा मंत्र पढ़ा कि उसके बस में गया मेरा लड़का, मेरा लड़का तो मेरे हाथ से, यही ना। अच्छा मान लो उसको माँ का पक्ष अच्छा लगे, उस बच्चे को लगा कि माँ सही है, और माँ की तरफ से वो एक बार कुछ डांट दिया पत्नी को, तो पत्नी कहेगी बताओ इन्हीं के भरोसे तो हम यहां पर आए थे, जब मेरा अपना पति मेरा अपना नहीं तो ससुराल किस बात की? अब बताओ वो बच्चे के मुसीबत, नहीं समझ आ रही बात मेरी, किसका पक्ष ले? मौन रहे। हाँ मौन रहे। आप सब झेल लिया, सब झेली हुई है। इसीलिए जीवन के केंद्र में मन है,
उस मन को ठीक से समझना है और कैसे व्यवहार करना है हमको, आपके दिन प्रतिदिन के व्यवहार से आप आगे बढ़ो और इसी तरीके से आप इलाज भी करो और क्या। सही बात तो है, मन का इलाज ज़्यादा जरूरी है। हाँ, मन ठीक तो थोड़ा बहुत दर्द होता रहता तो भी आदमी जो है काम करता रहता, हंसता रहता है, और मन खराब तो सारा जीवन खराब। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। किसी को कुछ पूछना हो आज? किसी का कोई प्रश्न नहीं? ठीक, अब आप लोग फिर अपनी क्लास लो, जैसा भी है।